YouTube चैनल पर बिना समय गवाए वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। पाए होमगार्ड जवानों से संबंधित छोटी बड़ी खबरें आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि फिरोजाबाद पुलिस थाना परिसर में होमगार्ड जवान ने लगाई फांसी। घटना के पीछे कारणों का नहीं पता चल सका। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच की। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि होमगार्ड भर्ती पर फिर संकट। 3 महीने बड़ा बेरोजगार का इंतजार। दोस्तों, होमगार्ड भर्ती की घोषणा हुई है, प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले ही सरकार बदल गई और फाइल धूल फेंकने लगी। कुछ साल बाद गहलोत सरकार ने भी नए सिरे से भर्ती का ऐलान किया, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा आवेदन भी ले लिए, लेकिन भर्ती की सरकारी फाइलें मकड़ जाल से बाहर नहीं निकल रही। दोस्तों, होमगार्ड की भर्ती पर फिर संकट। पहले भर्ती नियम प्रक्रिया में उलझी थी, अब वित्त विभाग में अटक गई। 3 महीने और बड़ा बेरोजगारी का इंतजार। दम तोड़ रही है बेरोजगारों की आस। प्रदेश में प्रस्तावित 2500 ज़्यादा होमगार्ड की भर्ती सरकारी मकड़जाल से बाहर निकलने की जगह उलझती जा रही है। अब वित्त विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में रोड़ा अटकाया, और ऐसा रोड़ा अटकाया है कि अप्रैल मई तक ये भर्ती इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगी। यानी 3.5 लाख बेरोजगारों को और इंतजार करना होगा। पिछली सरकार ने 2018 बजट घोषणा में 2500 होमगार्डों की नामांकन की घोषणा की थी। सरकारी मकड़जाल के उलझते निकलते फाइल बाहर निकली और 10 जून 9 जुलाई 2020 को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इसके लिए 3,51,941 आवेदन भी आए। इधर शारीरिक मापतौल दक्षता के लिए बजट का मामला भी अटक गया। दोस्तों, होमगार्ड भर्ती की शुरुआत तत्कालीन सरकार में हुई थी। विधानसभा में तत्कालीन गृह मंत्री ने होमगार्ड भर्ती की घोषणा कर दी थी। बाद में तय किया गया कि भर्ती नहीं, होमगार्ड का नामांकन किया जाएगा। फाइलों की खींचतान के बीच सरकार भी चली गई और सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2019 में विभागीय अनुदान मांगों में उत्तर में होने से होमगार्ड मंत्री ने होमगार्डों को 3 महीने का नामांकन घोषणा कर दी थी। घोषणा के बाद होमगार्ड नामांकन का गठित बिठाया गया। डीजी होमगार्ड ने होमगार्ड शहरी ग्रामीण के 2392 पद तथा बॉर्डर पर 116 पद रिक्त बताए। इसके बाद नामांकन फाइल सरकारी तंत्र में धीरे धीरे खिसकती रही। ऑनलाइन आवेदन आने के बाद भी विभाग शारीरिक मापतौल दक्षता की तैयारी में लगा रहा। विभाग में सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण भत्ते के लिए 1,42,50,000 सहित अन्य खर्च के लिए बजट भी मांग लिया। शारीरिक मापतौल दक्षता परीक्षा और अन्य के लिए 5,81,00,000 का बजट भी मांग लिया। सरकार ने नामांकन प्रक्रिया के लिए बजट आवंटित भी कर दिया। विभाग ने शारीरिक मापतौल दक्षता परीक्षा के लिए प्रति अभ्यर्थी 150 रुपये भी मांगे। इस पर वित्त विभाग ने 150 रुपये प्रति अभ्यर्थी बजट आवंटन का औचित्य भी पूछ लिया। तो दोस्तों, अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। दोस्तों, देखते हैं अभी भर्ती प्रक्रिया कब चालू होगी। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर कि फिरोजाबाद पुलिस थाना परिसर में होमगार्ड ने लगाई फांसी। दोस्तों, आपको बता दें कि फिरोजाबाद के थाना फरिया परिसर में एक पुलिस होमगार्ड ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के पीछे कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंचे पुलिस टीम ने जांच में जुट गई है। दोस्तों, सोमवार देर थाना फरिया पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाना परिसर में निवास कर रहे राकेश बाबू नामक पुलिस होमगार्ड ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब एक पुलिसकर्मी थाना परिसर कैंप में गया तो उसने वहां लाश फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर फिरोजाबाद SSP अजय कुमार पांडे मौके पर पहुंच गए। दोस्तों, जिसके चलते आज उन्होंने सुसाइड कर ली। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उन्हें भेज दिया गया। मृतक होमगार्ड थाना एका क्षेत्र का रहने वाला है। तो दोस्तों, ये रही होमगार्ड जवानों से जुड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए चैनल से जुड़े, लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपने अपना कीमती समय दिया। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।